पंजाब अब आपका हो गया है, दिल्ली की सरहद के बाहर आपने सिर्फ सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि बहुमत के आंकड़ों से भी बहुत आगे निकलती नजर आ रही है। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने भी 45,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। इधर कांग्रेस से सीएम चरणजीत चन्नी और नवजोत सिद्धू दोनों चुनाव हार गए हैं। हार के बाद सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबर आ रही है। हालांकि अब तक कांग्रेस और सिद्धू ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। पंजाब में बंपर जीत के बाद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पार्टी वर्कर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कैप्टन सिद्धू चन्नी मजीठिया सब हार गए, पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह का सपना पूरा होने लगा है। पहले दिल्ली में इनकलाब हुआ, अब पूरे देश में इनकलाब होगा। आपको पता है कि चन्नी को किसने हराया है? लाभ सिंह मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करते हैं। उनकी माताजी सरकारी स्कूल में काम करती हैं। पिता खेती करते हैं। केजरीवाल ने कहा, पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया? आम वॉलेंटियर ने मजीठिया और सिद्धू दोनों को हरा दिया। सभी से कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है, सभी इसे ज्वाइन करें। केजरीवाल ने भगवंत मान को भी जीत की बधाई दी। जीत के बाद भगवंत मान ने पंजाब की जनता को संबोधित किया। वे कल पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह भी राजभवन की जगह शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में होगा। इससे पहले सीएम की शपथ राजभवन में होती थी। शपथ लेने से पहले मान शहीदी स्मारक पर माथा टेकने भी जाएंगे। दूसरी ओर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 13,000 तो सुखबीर सिंह बादल 12,000 वोट से चुनाव हार गए हैं। मौजूदा सीएम चन्नी और कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत उसके सहयोगी मिलकर भी आपके लगभग चौथाई हिस्से तक ही पहुँच पा रहे हैं। वहीं भाजपा दहाई का अंक छूने के लिए भी तरस गई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के साथ फोटो ट्वीट की। इसमें उन्होंने आपकी जीत को इनकलाबी बताया है। चुनावी हार जीत का अंदाजा नेताओं के घरों को देखकर भी लगाया जा सकता है। पंजाब जीतने वाले भगवंत मान के घर को फूलों से सजाया गया है। उनके घर सुबह से जलेबियाँ भी बन रही थी। दूसरी तरफ मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी और अकाली लीडर सुखबीर सिंह बादल के घर सन्नाटा पसरा है। एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी बनने का अनुमान लगाया गया था। इसके मुताबिक अकाली दल बीएसपी गठबंधन दूसरे नंबर पर रह सकता है, तीसरे पर कांग्रेस, तो वहीं भाजपा का दहाई के आंकड़े तक पहुँचना भी मुश्किल लग रहा है। अभी तक के रुझानों में यही साबित हो रहा है। BRV न्यूज़, मुंबई।